कैर के निजी मैरिज होम शंभू रिसोर्ट में निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 रोगियों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 200 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चयन किया गया, जिनका ऑपरेशन रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन डॉक्टर भसीन द्वारा संचालित है। सभी रोगियों को बस वाहन से ग्वालियर भेजा गया। ऑपरेशन के बाद सभी रोगियों को शंभू रिसोर्ट पर लाया जाएगा। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीना, अखिल भारतीय पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार एस के मंगल, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, गोपाल दास गोयल, ओम प्रकाश गोयल मंचा सिंह अतिथि रहे। अशोक कुमार गोयल अग्रवाल फाउंडेशन सचिव ने अपने पिताजी को याद करते हुए कहा कि उनका जाना मेरे लिए बेहद दुखदायी है, मैं अगले जन्म में भी ऐसे ही बाप का बेटा बनूं, ईश्वर से कामना करता हूं। पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित इस नेत्र शिविर में करीब 400 लोगों ने, नेत्र रोगियों ने भाग लिया, जिसमें से करीब 200 से ऊपर रोगी ग्वालियर रतन ज्योति नेत्र चिकित्सालय में ऑपरेशन के लिए आएंगे और बाड़ी की समस्त नगरवासियों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को और फाउंडेशन के सभी सदस्यों को और पूरे बाड़ी बस्ती को मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों ने इस नेत्र शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, धन्यवाद। आज स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद जी गोयल की द्वितीय पुण्यतिथि पर अग्रवाल फाउंडेशन के नेतृत्व में रतन ज्योति चैरिटेबल ग्वालियर द्वारा आई कैंप लगाया गया है, जिसमें लगभग 400 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से करीब 200 लोग ग्वालियर अपनी आँखें के लिए ऑपरेशन कराने के लिए ग्वालियर जाएंगे। उन सभी व्यक्तियों को शंभू पैलेस पर ही छोड़ा जाएगा और मैं गुदरिया परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया। आज पधारे सभी गणमान्य अतिथि, जननेता, जनप्रतिनिधि, विधायक बाड़ी, विधायक धौलपुर, SDM बाड़ी एवं सभी मंचासीन अतिथियों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे ताऊजी स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद जी गोयल गुदरिया परिवार, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों द्वारा आयोजित द्वितीय आई कैंप रतन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ग्वालियर द्वारा शंभू पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे अग्रवाल फाउंडेशन का पूर्ण रूप से सहयोग रहा और लगभग 400 मरीजों की देखरेख की डॉक्टरों द्वारा की गई और करीबन 200 ऑपरेशन के लिए मरीज ग्वालियर ले जाए गए। वह ऑपरेशन होकर वापस उसी स्थान पर उनको छोड़ा जाएगा और हम अपने ताऊजी की द्वितीय पुण्य स्मृति पर उनके पुत्रों द्वारा लगाए गए इस कैंप के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। आज हमारे पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक विशाल आँखों के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि अग्रवाल फाउंडेशन और गोयल परिवार की तरफ से 400 मरीजों का जांच की गई, जिसमें से 150 से ज़्यादा मरीजों का ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया है और इसी तरह आगे भी हम पुण्यतिथि पर इसी तरह प्रकार से कैंप आयोजित करते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहेगा।